राजू सीधे पहाड़ से करी नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिसलाएं ना ये फिसले मेरे हाथ से। वो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई हम लोग आ चुके हैं चंडीगढ़ में, और भाई सच बता रहा हूँ, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो बारिश इतनी तेज मिली थी। तो भाई सामने हमारी बाइक है, और भाई बाइक की हालत देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा कीचड़ है जो मतलब ऐसे उड़ रहा था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही थी भाई वो ट्रकों की वजह से आ रही थी, जो बड़े व्हीकल्स हैं भाई गीले रोड पे जो कीचड़ उछाल के चलते हैं भाई, उसने तो लंका लगा दी थी सच बता रहा हूँ। तो भाई ये कुछ हालत है, मतलब देख रहे हो भाई इस पूरी बाइक को अच्छे से वॉशिंग की सख्त ज़रूरत है। तो भाई चलते हैं और इसकी वॉशिंग कराते हैं और मिलते हैं आपको। तो भाई अगले दिन की सुबह नहीं बोलेंगे भाई, दोपहर बोलेंगे। और भाई चंडीगढ़ से हमारा सफ़र हो चुका है दिल्ली का चालू, और भाई बाइक दोबारा से गंदी हो चुकी है। आई नो मैंने कल ही बाइक धुलवाई थी, लेकिन भाई कोई बात नहीं, अभी हमने ऑफ रोड किया था भाई विद जस्टिन यूट्यूबर। भाई इसका भी चैनल है यूट्यूब पे, जस्टिन यूट्यूबर, ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो भाई जाको, भाई को ऐसे हेल्प वगैरह करो, सपोर्ट करो बढ़ने में भाई, और हमें भी कर देना प्लीज़ थोड़ा सा। तो भाई सफ़र हो चुका है चालू, और भाई अभी हम जैसे आ रहे थे तो भाई पिलियन के साथ आए थे जैसे आप सबको पता है, तो भाई उसके साथ हम हेलमेट लेके आए थे। लेकिन अब हमें हेलमेट लेके जाना है, तो भाई हमने इतना टाइट बांध दिया है भाई एकदम बढ़िया। और भाई अभी तक हम अंबाला में इस टाइम पे, और चंडीगढ़ से अंबाला का सफ़र मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज मेरा जो अडेप्टर था, माइक अडेप्टर हमने उतार दिया था, और मेरे पास टेप नहीं थी दोबारा चिपकाने के लिए, जैसे कि आप इधर देख रहे होगे भाई इसमें। तो जुगाड़ इंडिया से जुगाड़ से चलता है। तो भाई चलते हैं, सफ़र करते हैं अपना चालू वापस घर जाने का। फ़ोन हमने कर लिया कनेक्ट, और भाई सबसे बढ़िया बात मैं बता रहा हूँ न्यू एडवेंचर की, भाई इस वाले ऊपर वाले बटन को दबाओ, ऊपर वाले बटन को दबाओ, और भाई यहाँ पे ऑडियो का ऐसे मस्त ऐसे चेंज वेज करा कर सकते हैं हम लोग। तो भाई इस चीज़ का अपना अलग मज़ा है। और भाई अभी हमने रिफ्यूलिंग करानी है अपनी बाइक की, तो वो भी है। और भाई बाइक चल चुकी है 3400 किलोमीटर, और भाई आई डोंट थिंक इंडिया में अभी तक इससे ज़्यादा कोई ऑडोमीटर है एडवेंचर का। बाकी चले भाई, मज़ा आया मिलके, वीडियो बनाई साथ में हम लोगों ने। चलो भाई निकलना कहाँ से है, सीधा ठीक है। यूटर्न कहाँ जा रहा है, इधर से? अरे वाह, ऑफ रोडिंग करवा रहे हो आप हमसे। तो भाई ऑफ रोडिंग ऐसे चालू हो चुकी है, और भाई मज़ा आने वाला है। और भाई ऑफ रोडिंग के लिए हमारी बाइक बनी है, तो भाई उसका तो अपना अलग ही मज़ा है, ऐसे रोडों पे चलाने का अलग मज़ा है। कहाँ से निकलवा रहे हो आज आप हमसे? ओ घास से घीली है, तो भाई बहुत ज़्यादा बाइक हमारी ऐसे फिसल करती है, मज़ा आता है। देख रहे हो गलत सीन, ओहो फिश टेल करती हुई हमारी बाइक ऐसे मज़ेदार। गलत ही रोड है ब्रो, गलत ही रूट है, क्या गलत रूट से लेके जा रहा है लड़का। भाई इन चीज़ों के लिए ऐसे मस्त इसको भी सब्सक्राइब करना बनता है भाई, जस्टिन यूट्यूबर आपको मिल रही होगी आईडी डिस्क्रिप्शन में, तो भाई कर लेना भाई के लिए, भाई हमारी बड़ी हेल्प कराते हैं ऐसे जगहों पे ले जाने के लिए। क्योंकि भाई दिल्ली में ऐसे ट्रैक्स हैं भाई, लेकिन उनके लिए जाना पड़ता है दूर। ओ कांटों में हमारी बाइक फंसी, स्कूटी भी ऐसे से फिस्टल कर रही है भाई साहब, ओहो, और हमारी बाइक भी फिस्टल कर रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैसे तो। हाँ चलो हाँ पता है, चल ओके भाई बिल्कुल मिलते हैं जब निंजा लेने आएंगे। हाँ निंजा लेके आप नहीं मिलते हैं, देख रहे भाई तालाब गंदा नाला। चलो ओके
भाई अभी हमें भी कराना है बाइक को, रिफ्यूल भी कराना है, लेकिन भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी करा लेंगे। जैसे ही कोई पहला ऐसे फ्यूल पंप आएगा तो भाई फ्यूल कराना ज़रूरी है। और भाई एक बात कहने वाली है कि भाई जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग पिलियन में आ रहे थे चंडीगढ़ तक, हमने 250 किलोमीटर के आसपास राइड किया विद द पिलियन भाई, बट स्टिल भाई पिलियन सीट कम्फर्ट इज टॉप नॉच, ट्रस्ट मी, बिकॉज भाई इससे पहले हम जो बाइक चला रहे थे उनमें पिलियन कम्फर्ट भाई बिल्कुल भी नहीं होता था। और भाई इज़ द फर्स्ट बाइक जो ऐसे हम लोग अभी तक मैंने ली है और जिसमें पिलियन कम्फर्ट एक नंबर है। तो भाई सच बता रहा हूँ, ये चीज़ मुझे टेस्ट करनी थी, मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि भाई कभी कभी हमें किसी के साथ ऐसे राइड करना पड़ गया तो भाई क्या हम लोग कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो भाई आंसर इज़ येस, भाई बाइक इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द पिलियन टू। और भाई हम लोगों ने अपना अपना बैग भी बांधा हुआ था, मैंने अपना बैग बांधा हुआ था, उसने अपना बैग बांधा हुआ था, तो भाई ठीक है। और भाई मुझे पता है आप लोग कह रहे हो कि भाई वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज भाई हम लोग गए हुए थे जैसलमेर और जैसलमेर के आते ही हम लोग चंडीगढ़ आ गए। और भाई चंडीगढ़ में सीन ऐसा हुआ कि भाई हम अपना लैपटॉप लाना भूल गए हमारा, जिसपे हम एडिटिंग करते हैं, तो भाई वो एक चीज़ हमारे साथ हो गई है। तो भाई सीन ये है कि हम एडिटिंग अभी घर जाके करेंगे, दिल्ली यहाँ से है 200 किलोमीटर के आसपास, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से पहुँचते हैं दिल्ली और भाई एडिटिंग करके आपके लिए वीडियो फटाफट से बनाने की पूरी कोशिश ऐसे की जाएगी। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिकॉज़ भाई यूट्यूब पे ऐसा होता है कि भाई हम कई बार रेगुलर नहीं हो पाते हैं, रेगुलर अपलोड्स नहीं कर पाते, कभी कभार इंटरनेट स्पीड नहीं होती है, तो भाई कभी कभी हम ट्रैवल में होते हैं। तो भाई इंस्टाग्राम इज़ द ओनली थिंग जिससे आप लोग हमारा ऐसे लाइव अपडेट जान सकेंगे, भाई इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट चलता रहता है और भाई फोटोज़ एक नंबर हम लोग डालते रहते हैं, मतलब कोशिश तो करते ही है ना ब्रो, तो ठीक है ना ब्रो, चलते ना ब्रो, ब्रो 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 चलते ना ब्रो। तो भाई फ्यूल अब जैसे बोल रहा है फ्यूल कराना इज इम्पोर्टेंट, तो भाई फ्यूल करा लेते हैं एक बार इसका, फिर चलते हैं दिल्ली का सफर, उसके बाद भाई क्यों फ्यूल लेने की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। वो ही ऑलमोस्ट फुली हो गया इसलिए मैंने 500 का डलवाया, तो ठीक है यार अपना ऐसे अनुमान सही रहता है 7 point कुछ liters, ठीक है गुड। तो भाई कभी भी पेट्रोल डलवाओ, इट्स बेटर कि भाई आप लोग स्लीप ना ही लो तो बेटर है, कि भाई पहले ही हमारे जो इंडिया में जो प्लांट्स है उन्हें काटा जा रहा है जस्ट टू मेड अ पेपर, तो भाई ऐसे हम लोग पूरा ऐसे साथ देते कि भाई जितने कम हो सके उतने पेड़ कटे, तो हम लोग अभी भी स्लिप नहीं देते भाई जस्ट बिकॉज ये सारी की सारी स्टेटमेंट हमारे मोबाइल पे आ जाती है सारे मैसेज के थ्रू। और भाई अब तो सब कुछ ऑनलाइन का ज़माना है तो भाई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ठीक है यार जैसा भी है मज़ेदार है। और भाई ये ऐसे मैं मानता हूँ, बाकी आपको देखना अगर कर सकते हो तो कर लेना, बाकी ठीक है चलो सफ़र चालू दोबारा से, सोलो राइड मैं करूँ सोलो राइड, हाँ नाइस, हाँ चलो हम रोड पे चल रहे हैं बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन हमारे राइट में जो सनसेट है देख रहे हो भाई, देख रहे हो सनसेट, इतना सुंदर सनसेट हो रहा है बता नहीं सकता, मैं उधर देख नहीं सकता ज़्यादा, आपको दिखाता हूँ उनको, वो देखो भाई साहब इतना सुंदर सनसेट हो रहा है, आगे देखनी पड़ेगी मेरे को बाइक, राइट देखता चल रहा हूँ भाई साहब, गलत ही मज़ेदार एकदम। हो भाई साहब देख रहे हो, मतलब फटाफट से हम लोग दिल्ली पहुंच भी गए भाई, सच बता रहा हूँ बहुत मज़ा आया राइड करने में, बहुत आराम से है, मतलब आराम से नहीं बोलेंगे यार, एक सेकंड भाई 90-100 की स्पीड में हम लोग ऐसे मस्त क्रूज़ करते हुए आ रहे थे, अपनी बाइक को फिल्टर करते हुए आ रहे थे जहाँ पे भी ट्रैफिक हमें मिल रहा था, लेकिन भाई साहब टाइम तो लग गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे हमें लगे अम्बाला से यहाँ पे आने में, तो भाई ज़्यादा नहीं लगे, बहुत ही कम लगे 2 घंटे में भाई, ऑलमोस्ट 196 किलोमीटर भाई, क्या लोगे आप लोग एक ब्रेक लिया था छोटा सा पी ब्रेक लिया गया था भाई, तो भाई ठीक है पहुँच गए हमने। और हम भाई सच बताऊँ ऐसे हमने सोचा था कि भाई पूरी अच्छे तरीके से रात होने से पहले हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे, और वही हुआ है कि भाई साहब हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, उधर थोड़ा माइनर ऐसे रोशनी है, तो भाई ठीक है ना फटाफट से पहुँच चुके हैं हम लोग दिल्ली, ठीक है राइट भाई। और जो भी मेरी गलत फहमियाँ थी इस बाइक को लेकर भाई वो हो चुकी है कम्प्लीट,
मेरे को लगा था कि राइडिंग विद प्लेयर मुझे भाई, मैंने अब हर चीज़ इस बाइक के बारे में देख लिया, तो भाई हर चीज़ मैंने इस बाइक के बारे में देख लिया कि भाई किस चीज़ में कंपेटेबल है, किस चीज़ में कंपेटेबल नहीं है, और भाई यहाँ पे कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, ठीक है। और भाई होप करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, इसी के साथ भाई वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाने का, बिकॉज देख मेहनत है भाई, मेहनत भाई, मेहनत का लाइक तो बनता है। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दन भाई साइनिंग ऑफ दीपांशु, बाकी मैं घर पहुँचने वाला हूँ इसलिए बता रहा हूँ।